हेलो स्टूडेंट्स दिस इज तनुश्री योर न्यू मैथमेटिक्स टीचर सो टुडे वी विल स्टार्ट अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री अ बंडल कंटेंस वन सिक्सटी टू फाइव रूपी नोट्स हाउ मच मनी इज देयर इन द बंडल ठीक है एक बंडल में वन सिक्सटी टू फाइव नोट्स है तो कितना मनी है उस बंडल में वो हमें निकालना है सपोज एक बंडल में टेन नोट्स है जो कि फाइव रुपी का है ठीक है तो कितना टोटल मनी होगा उस बंडल में कैसे निकालेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा फिफ्टी ठीक है तो इस तरह से हम ये सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट आ बंडल कंटेन्स नंबर ऑफ फाइव रूपी नोट्स नंबर ऑफ फाइव रुपी नोट्स इनटू फाइव तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फाइव रुपी नोट्स कितना है वन सिक्सटी टू सो हम लिख लेंगे वन सिक्सटी टू इंटू फाइव ठीक है अभी मल्टीप्लाई करेंगे फाइव टू ज टेन ज़ीरो वन कैरी हो जाएगा फाइव सिक्स ज थर्टी प्लस वन वन और थ्री कैरी हो जाएगा फाइव वन ज फाइव प्लस थ्री एट हंड्रेड टेन इतना रुपीस एक बंडल में है ठीक है दे आर फोर दे आर आर रुपीज़ एट हंड्रेड एंड टेन इन द बंडल ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर दे आर एट इक्वली स्पेस लैंप पोस्ट ऑन अ स्ट्रेट रूट एक स्ट्रेट रूट पे एट इक्वल स्पेस लैंप पोस्ट है ठीक है इक्वली स्पेस मीन्स ये जो स्पेस है ये इक्वल है ठीक है इफ द डिस्टेंस बिट्वीन द फर्स्ट पोस्ट एंड लास्ट पोस्ट इज 73 थ्री मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर सो फर्स्ट पोस्ट और लास्ट पोस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 73 थ्री मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर है ठीक है अभी वट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोस्ट प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर सो एनी टू पोस्ट की बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे फर्स्ट द डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट पोस्ट इज इक्वल टू सेवेंटी थ्री मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर ठीक है अभी हमें सेम यूनिट में लेकर आना है सो वन मीटर वी नो वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर सो सेवेंटी थ्री मीटर इज इक्वल टू सेवेंटी थ्री इंटू हंड्रेड सेवन थ्री ज़ीरो ज़ीरो सेंटीमीटर अभी जो 50 सेंटीमीटर है वो प्लस हो जाएगा सो so, क्या हो जाएगा 7350 सेंटीमीटर सो so, 7350 सेंटीमीटर अभी देखो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इन टू पोस्ट तो टू पोस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है सो देआर फोर डिस्टेंस Between एनी टू posts, तो क्या हो जाएगा ये टोटल डिस्टेंस है सेवन थ्री फाइव जीरो सेंटीमीटर और ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन पार्ट्स है तो हम क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे सेवन थ्री फाइव जीरो डिवाइडेड बाई सेवन ठीक है सो सेवेन वन ज सेवन फिर ज़ीरो आएगा सेवन फाइव ज़ो थर्टी फाइव फिर ज़ीरो सेंटीमीटर वन ज़ीरो फाइव जीरो सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इफ़ द कॉस्ट ऑफ़ फ़ाइव कॉपीज ऑफ बुक इज़ रुपीज़ वन ट्वेंटी फाइव वट इज़ द कॉस्ट ऑफ अ डजन कॉपीज ऑफ द सेम बुक अगर फाइव कॉपीज बुक की कॉस्ट वन ट्वेंटी फाइव रुपीज़ है तो वन डजन कॉपीज बुक की कॉस्ट कितना आएगा वो हमें निकालना है ठीक है अभी देखो कॉस्ट ऑफ फाइव कॉपीज ऑफ बुक इज इक्वल टू रुपीज वन ट्वेंटी फाइव ठीक है अभी हम निकालेंगे वन कॉपी ऑफ बुक का कॉस्ट सो कॉस्ट ऑफ वन कॉपी ऑफ बुक इज इक्वल टू रुपीज़ वन ट्वेंटी फाइव सो क्या हो जाएगा वन कॉपी ऑफ बुक का कॉस्ट क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा रुपीज़ वन ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई फाइव सो क्या हो जाएगा रुपीज़ ट्वेंटी फाइव ठीक है अभी हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ वन डजन कॉपीज ऑफ बुक सो कॉस्ट ऑफ वन डजन वन डजन मीन्स ट्वेल्व ट्वेल्व कॉपीज ऑफ बुक ठीक है तो क्या हो जाएगा वन कॉपी ऑफ बुक का जो कॉस्ट है बो रुपीज वो ट्वेंटी फाइव है सो वन डजन कॉपीज ऑफ बुक की कॉस्ट क्या होगा ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेल्व ठीक है अभी रुपीज ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेल्व कितना आएगा ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई ट्वेल्व फिफ्टी ट्वेंटी फाइव सो थ्री हंड्रेड रुपीज़ थ्री हंड्रेड ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स देर आर फोर पॉइंट्स इन द फिगर यहाँ पे फोर पॉइंट्स दिया हुआ है हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाई ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बाई लाइन सेगमेंट्स तो ये जो पॉइंट है इसे हमें जॉइन करना है और फिर हमें देखना है कितना ट्राइंगल्स आता है तो फर्स्ट हम ज्वाइन कर देंगे ठीक है अभी देखो द पॉइंट मस्ट बी एट द भर्टिस ऑफ द ट्राइंगल्स ये जो ट्राइंगल आ रहा है ये ट्राइंगल इसका जो वर्टेक्स है ये ये पॉइंट हो रहा है तो ये एक ट्राइंगल हो गया फिर नेक्स्ट ये जो ट्राइंगल हो रहा है उसका वर्टेक्स देखो ये पॉइंट है फिर ये एक ट्राइंगल हो रहा है थ्री और ये एक ट्राइंगल हो रहा है फोर सो फोर ट्राइंगल्स फोर ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म बाई ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बाई लाइन सेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सप्लीमेंटरी एंगल एंड द कंप्लीमेंटरी एंगल ऑफ द एंगल ऑफ मेजर सेवेंटी फाइव डिग्री सेवेंटी फाइव डिग्री एंगल की कंप्लीमेंटरी एंगल और सप्लीमेंटरी एंगल की जो डिफरेंस है वो हमें निकालना है ठीक है तो हम पहले देख लेते हैं कंप्लीमेंटरी एंगल एंड सप्लीमेंटरी एंगल कम्प्लीमेंटरी एंगल टू एंगल्स हुसाम इज नाइन्टी डिग्री आर कॉल्ड कम्प्लीमेंटरी एंगल और सप्लीमेंटरी एंगल टू एंगल्स हुसाम इज वन एटी डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंटरी एंगल ठीक है अभी देखो फर्स्ट हम सप्लीमेंटरी एंगल निकालेंगे कौन सा एंगल का सेवेंटी फाइव डिग्री का ठीक है तो लिख लेते हैं सप्लीमेंटरी एंगल ऑफ 75 फाइव डिग्री इज इक्वल टू सप्लीमेंटरी एंगल कितना है 180 डिग्री तो 180 डिग्री से माइनस कर देना है 180 डिग्री माइनस सेवेंटी डिग्री तो कितना आ जाएगा 105 डिग्री ठीक है अभी नेक्स्ट देखो कंप्लीमेंटरी एंगल कंप्लीमेंटरी एंगल ऑफ़ सेवेंटी फाइव डिग्री सेम एंगल का ठीक है अभी क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो नाइन्टी डिग्री तो नाइन्टी डिग्री से माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा फिफ्टीन डिग्री अभी देखो डिफरेंस निकालना है सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ सेवेंटी फाइव डिग्री हंड्रेड फाइव है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ सेवेंटी फाइव डिग्री का फिफ्टीन डिग्री है तो अभी माइनस हो जाएगा मींस डिफरेंस ठीक है सो डिफरेंस इज इक्वल टू हंड्रेड फाइव डिग्री माइनस फिफ्टीन डिग्री तो कितना हो जाएगा नाइन्टी डिग्री ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर? एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर तो ये स्क्वायर है स्क्वायर का साइड्स हमें पता है ऑल साइड्स आर इक्वल तो रिलेशन क्या हो जाएगा रिलेशन बिटवीन द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। and opposite sides are parallel ठीक okay? है? we next what is the relation between the angles of square so angle obviously these four angles are same are equal and each angle is a right angle means 90 degree है? Okay? so रिलेशन बिटवीन द एंगल्स ऑफ स्क्वेयर आर इक्वल एंड ईच एंगल इज नाइंटी डिग्री ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर ये जो पिक्चर है इसका पेरीमीटर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे देखो पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर ये जो बाउंड्री है इसे हम पेरीमीटर कहते हैं ठीक है अभी पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे अगर ये जो वैल्यू है ये हम ऐड कर दें तो पेरीमीटर निकल जाएगा ठीक है अभी देख लेते हैं पेरिमीटर तो वैल्यू क्या क्या है वन सेंटीमीटर प्लस वन प्लस टू प्लस सेवन प्लस टू प्लस वन प्लस वन प्लस अभी देखो ये पोर्शन है जो इसका वैल्यू नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे देखो ये वन सेंटीमीटर है तो इतना पोर्शन वन सेंटीमीटर फिर इतना पोर्शन वन सेंटीमीटर है तो इतना पोर्शन क्या हो जाएगा वन सेंटीमीटर अभी देखो ये टोटल सेवन सेंटीमीटर है तो देखो ये वन सेंटीमीटर और ये वन सेंटीमीटर सो टू सेंटीमीटर से अगर हम सेवन सेंटीमीटर माइनस कर दें तो इतना पोर्शन आ जाएगा सो so, क्या हो रहा है फाइव सेंटीमीटर ठीक है तो चलो प्लस फाइव अभी सेंटीमीटर ठीक है अभी देख लेते हैं सो so, कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेंटीमीटर सो चैप्टर वन रिविशन कंप्लीट हो चुका है अभी आप लोग बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे बाय बाय हैव अ नाइस डे